जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां अनिल विज के बयान से भाजपा पार्टी में मचा भगदड़। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के किराए काम गिनवाए। विज ने कहा, सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं, मैं जहां जहां गया लोग कह रहे हैं कि आप सीनियर हो, सीएम क्यों नहीं बने। मैं उन लोगों की मांग पर अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, यह उनका फैसला है। विज ने कहा कि मैंने आज तक कोई पद नहीं मांगा, लेकिन आज दावा पेश कर रहा हूं। अगर पार्टी ने मुझे सीएम बना दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। विज से पहले गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। 29 जून 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकूला में हरियाणा बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं की मीटिंग ली थी। तब शाह ने नायब सैनी के चेहरे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद हरियाणा के कई सीनियर लीडर सैनी के नाम पर नाराजगी जता रहे हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को टाकर नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। तब भी सैनी की ताजपोशी से अनिल विज नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी कई मीटिंग्स में खुलकर सामने आई थी। अनिल विज हरियाणा भाजपा के वरिष्ठतम नेता है। वैकेंट से 8 बार विधानसभा चुनाव लड़कर 6 बार विधायक बन चुके हैं। इस बार वह 9वीं बार अंबाला कैंट से मैदान में है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।